से के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने चुनाव जीत लिया है। बता दें 2.38 लाख से ज्यादा वोट से डिंपल जीती है मैनपुरी उपचुनाव में। डिंपल की रिकॉर्ड तोड़ जीत, डिंपल ने मैनपुरी में जीत दर्ज की है। बता दें रिकॉर्ड तोड़ जीत डिंपल के नाम है। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव चुनाव जीत चुकी है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव, जो कि सपा प्रत्याशी है, उन्होंने 2.38 वोटों से जीत अपने नाम दर्ज की है। प्रचंड बहुमत से डिंपल की जीत देखी जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। डिंपल यादव ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सपा के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। उनके घर के बाहर जो है जश्न मनाया जा रहा है सपा कार्यकर्ताओं द्वारा, और हर वर्ग के लोग हमें यहाँ दिख रहे हैं। और इससे पता चलता है कि कितनी ज्यादा लोकप्रियता है मुलायम सिंह यादव की, उनकी बहू डिंपल सिंह। इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे सीनियर करेस्पॉन्डेंट शशांक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, मुलायम सिंह यादव की जो एक छवि थी, एक वो बहुत प्रसिद्ध चेहरा थे मैनपुरी के, उनकी जीत को, उनकी इस छवि को उनकी बहू ने साबित कर दिया है। प्रचंड बहुमत से उन्होंने जीत अपने नाम दर्ज की है। रिकॉर्ड तोड़ दिया, वोटों से जीत दर्ज की है। ऐतिहासिक जीत अभी पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रस्ताव का विलय कर दिया है, और समाजवादी पार्टी का झंडा जो है अब शिवपाल सिंह यादव, आदित्य यादव ने अपनी गाड़ी पर लगा लिया। इसे पूर्ण रूप से माना जाएगा कि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव का साथ समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ, बहुत ही फलदायक हुआ। और आगामी लोकसभा चुनाव में और स्थानीय निकाय चुनाव में भी अगर समाजवादी पार्टी एक झंडे, एक बैनर और एक राग को लेकर चलेगी, तो कहीं ना कहीं इस बात साफ हो जाएगी समाजवादी पार्टी का उदय फिर से हो जाएगा। जो झुकता हुआ सूरत से लगातार हार रही थी, उसमें फिर से एक मुस्कान खिला रहा है कि कार्यकर्ताओं में जोश और खरोश मिलेगा। और कहीं ना कहीं शिवपाल यादव जब भी साथ में रहे हैं, उनका ये इफेक्ट रहा है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा ही जीत दर्ज की है। पिछले चुनाव की अगर बात कर ले जसवंत नगर, और अगर मैनपुरी की बात करें अश्मिता, तो जसवंत नगर से सबसे ज्यादा वोट मिले, अगर सभी विधानसभा में मैनपुरी की बात करेंगे, सबसे ज्यादा वोट, ऐतिहासिक वोट दर्ज कराने का काम शिवपाल सिंह यादव के साथ आने के बाद हुआ। शायद अगर शिवपाल सिंह यादव साथ में ना होते तो ये सीट जो थी वो खतरे में पड़ सकती। जिस तरह से रामपुर में आपने देखा कि बीसवें राउंड के बाद में आकाश सक्सेना की जीत को घोषित कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव का साथ, अखिलेश के हाथ, ये दोनों ही चीज मैनपुरी की जनता को भागे। और मैनपुरी की जनता ने जनादेश देते हुए बल भर के अपनी बहू को आशीर्वाद दिया, मुलायम सिंह यादव की बहू को आशीर्वाद दिया। मैनपुरी में जब भी प्रचार में डिंपल यादव जाती थी, वो हमेशा कहती थी आप अपनी बहू को वोट दीजिए, निका जीते नहीं, आपके साथ अगर काम किया है, आपके लिए काम किया है, मैनपुरी वासियों के लिए काम किया है, तो आप वोट जरूर दें। और मैनपुरी वासियों ने झोली भर के उनका साथ दिया, और
जैनपुरी की जीत ऐतिहासिक जीत हुई है। डिंपल यादव के लिए ये बड़ी बात है क्योंकि कन्नौज से आने के बाद में डिंपल यादव का दूसरा चुनाव है जिसमें डिंपल यादव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जी बिल्कुल बिल्कुल शशांक, और प्रचार के दौरान भी डिंपल यादव ने बात कही थी, जब जनता को वो संबोधित कर रही थी तो उनके द्वारा कहा गया था कि आपका एक एक जो वोट है, आपका वोट वो मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि के समान होगा। और तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि मैनपुरी की जनता में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है डिंपल यादव की जीत पर। निश्चित तौर पे अगर नवासी से बात कर ले और आज तक दो दशक बीत चुके, तीसरा दशक आ गया है, अस्मिता लगातार मैनपुरी और इटावा सैकड़े में मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी मुलायम सिंह यादव का जलवा बरकरार रहा। जब भी उनको मौका मिला उन्होंने सैकड़े की जनता के लिए, इटावा की जनता के लिए, मैनपुर की जनता के लिए वो सभी कार्य कर दिए जो शायद अभी तक कोई कर पाया है। मेडिकल कॉलेज जो दिन है वो इनकी ही दिन है, एयरपोर्ट जो दिन है वो नेताजी मुलायम सिंह यादव की दिन है, अखिलेश यादव का है, आगरा एक्सप्रेस वे और कई ऐसे कार्य है जो क्या नाम है कि मैनपुरी की जनता को हमेशा बांटा गया। लेकिन कहीं ना कहीं 2016 में जब शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच की तल्खियां पड़ी और नेताजी मौजूद होने के बावजूद वो कई बार प्रयास किए और वो लोग एक नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं जो मैनपुरी की जनता है, सैफई की जनता है, इटावा की जनता है, उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर था कि कहीं ना कहीं ये लोग अब अलग हो चुके हैं और इसका सीधा फायदा बीजेपी को 2017-2022 में मिला। अब जब ये लोग एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ एक चैनल पे हैं, या ये कह सकते हैं कि एक साथ है, उसका फायदा सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी को मिला और आगे भी अगर ये साथ बरकरार रहा तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी अच्छे स्तर पर रहेगी, उत्तर प्रदेश में अपना कीर्तिमान स्थापित करेगी, जिस तरह की ऐतिहासिक जीत आज हुई है। बिल्कुल, अब देखना खास यही होगा कि आने वाला इनका गठबंधन जो है, आगे आने वाला इनका परिवार का एकजुट होना कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होता है आने वाले चुनाव के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हमने आपको उत्तर प्रदेश से दी, जहां मैनपुरी से डिंपल यादव ने प्रचंड बहुमत से जीत अपने नाम दर्ज कराई है।